नमस्कार, मैं विशाल गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूँ द लार्ज पे। तो आजकल जैसे पेट्रोल की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उससे हम लोगों से बात करेंगे। और अभी जो पेट्रोल की कीमत है, आप देख सकते हैं 97 से 98 पैसे पहुँच चुका है, तो इससे लोगों से बात करेंगे। तो लोगों से बात करते हैं, आजकल जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उससे आप क्या जानना चाहेंगे? आपके गाड़ी पर कितना खर्च होता है, आपकी जेब पर? क्योंकि आजकल बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आए हैं, और उससे क्या करना चाहिए? आया ही है अच्छे दिन, देखना ही कि नहीं आया क्या बोलेंगे। सज्जन हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे जो आजकल पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रहे हैं, उससे उनके जेब पर कितना असर पड़ रहा है। कहना तो यह है कि भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और खास करके मोदी सरकार को सुनना चाहिए। यहीं यूपी में जाइए, 5 रुपये 6 रुपये का कम है। नेपाल की तरफ जाइए, कम से कम 10-15 रुपये का डिफरेंस पड़ता है। भारत सरकार जो है इस पर गरीबों पर, क्योंकि गाड़ी तो हर आदमी क्या है, बाइक मोटरसाइकिल जितनी सारी चीज़ें हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लोगों के लिए की है। लेकिन बड़े लोगों के लिए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास अर्निंग है, लर्निंग है, सारा चीज़ है। लगे भाई छोटे लोगों की जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको तो बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी में तेल भरवाना है, इधर पड़ रहा है, इधर खाने के लिए दिक्कत है, इधर लोग सारे लोग परेशान है। भारत सरकार को इसको सोचना चाहिए कि भाई कम से कम बिहार में तो कुछ सुधार लिया जाए, खास करके पेट्रोल का। बताइए 65 से 70, 75, 80, 85 होते हुए हम लोगों का आंकड़ा पार कर रहा है। तो इसमें गरीब लोग कैसे गाड़ी चलाएंगे, और गरीब लोग कैसे गाड़ी पर रहेंगे, और कैसे लोगों का सेवा करेंगे? इसलिए इस पर तो कहना ही नहीं चाहिए सरकार को कि क्या करना है, नहीं करना है। इस पर खुद उनको विचार करना चाहिए, और कुछ नहीं। जो मनमोहन सिंह की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 65 रुपया या 70 रुपया हुआ करती थी, और यही आज विपक्ष की जो पार्टी है सत्ता में, बीजेपी, वो भी विपक्ष में थी, तो उस समय आंदोलन करने लगती थी। इससे आप क्या करेंगे? अरे मनमोहन सिंह का तो सरकार जो थी तो बहुत अच्छा ही थी, क्योंकि हर चीज़ पर वो अपना लेवल कंट्रोलिंग करके चलाते थे सरकार को, और सारे गरीब और अमीर सारे लोगों के सम्मान करके चलाते थे। और अगली बार मोदी सरकार की अपना पेट भरने के लिए सारे लोगों को कत्ल करवा रहे हैं, सारे लोगों को चूल्हा का भक्ति पकवा रहे हैं। यही तो कहना है कि उस जो था अभी उसके बनिस्पत अभी जो है बहुत आगे डेवलप तो किया है, लेकिन डेवलप मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें सरकार पर रोक काम करना चाहिए, हमारे कहने का मतलब यह है। तो जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, दिन पर जो वो अपना टैक्स बढ़ाया जा रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे क्या है? कहने का मतलब सरकार तो बढ़ा ही रही है, GST बढ़ा रही है, सब टैक्स बढ़ा रही है, तेल का जहाँ तक तेल की मामला है, इस पर तो उनको कंट्रोल करना चाहिए था ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की लाइफ लाइन है, लोगों की लाइफ लाइन से जुड़ी हुई चीज़ है। जी है, ये है एकदम, उस पर तो ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर कहाँ लोग ध्यान दे रहे हैं? अपना कुर्सी बचना चाहिए, सरकार की अपनी बीमारी है कि हमारा कुर्सी बच जाए, पब्लिक जहाँ जाए मरे डूबे उससे कोई लेना देना नहीं। और अच्छे दिन मोदी जी कहते थे, अरे मोदी जी तो हर बार कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब इससे बड़ा अच्छा दिन कौन सा हो सकता है कि जो गरीब लोग मरते जा रहे हैं, और सारे लोग खुला के भाग भक्सी झकवाते जा रहे हैं, इससे अच्छा दिन कौन आना रहेगा जी? इससे अच्छा दिन आने ही वाला नहीं है, इसलिए कि वो अच्छा दिन का सपना ही है। हो सकता है बाल बच्चा परिवार आएगा, आएगा नहीं आएगा तो बात की बात है, उनका अच्छा दिन आ गया, यही मेरा कहना है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने एक बार परिचय दे। जी, मेरा नाम डॉक्टर उत्तम कुमार है, शाहपुर बाजार से बिलोंग करते हैं, मेरा पंचायत माधोपुर पंचायत है, और मैं बड़ैया सिवान जिला से। शुक्रिया आपका बहुत। तो आजकल जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, उसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके लिए सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री की रिपब्लिक रेट कितनी है, उसके बाद से हमारी डेमोक्रेसी के हिसाब से जितना वो बिलोंग नहीं करता है, कितना करना चाहिए। प्लस यहाँ लिबर्टी बहुत है, गरीब लोग बहुत है, ये चीज़ आप कैसे कर पाते हैं, इस चीज़ पर हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो गरीब है, जो दिन भर का 100 रुपये कमा पा रहे हैं, वो कहाँ देते हैं? इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि थोड़ा ध्यान दे। और जहाँ आप बताएं कि हमारी देश की कंट्री लेवल जो गरीबी ज़्यादा है, और सरकार जो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उसकी वजह से इतना पेट्रोल की कीमत आसमान छू रहा है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार का भी
ऑब्वियसली बात है, जब सरकार का दोस्त है भाई इतना रेट बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ सोच समझ के बढ़ाना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यही हमारे देखेंगे बिहार के बगल में नेपाल है, वहाँ पर सस्ता बैठे हैं, बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ पर वही है। ये चीज़ हमारी सरकार को बताना चाहिए, हमारे देश को ध्यान देना चाहिए, अगर वोट दे रहे तो सोशल मीडिया दे रहे, यही कहना चाहूँगा। आजकल आपके जेब पर कितना असर पड़ रहा है भाई? हम जैसे हम लोग नॉर्मल चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब वो नहीं कर पाएंगे ना, वो बात हम चुके हम लोग पता नहीं हो, लेकिन फिर भी असर बहुत पड़ रहा है। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, उसको क्या कहेंगे? वो सपने में आएंगे, हम लोग अच्छे दिन नहीं आने वाले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीजल पेट्रोल का दाम घटाना चाहिए, घंटा कैसे चलेगा, लोग क्या खाएंगे, पेट्रोल डीजल का रेट कि आप सभी देखें। हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और बहुत सारे लोग कैमरे पर बोलने से हिचक रहे थे, और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है महंगाई के प्रति। और अगर ये हमारे वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पे लोग, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।